ग्वालियर निजी पैथोलॉजी के संचालक के निर्देश पर ग्वालियर शहर में धड़ल्ले से बीच चौराहे पर सैंपल की जांच होती है, जबकि बीच चौराहों पर सैंपल की जांच करना नियम के विरुद्ध है। सैंपल की जांच करने वाले टेक्नीशियन का रजिस्ट्रेशन CMHO ऑफिस में होना जरूरी है, लेकिन निजी पैथोलॉजी के संचालक बिना रजिस्ट्रेशन के कई लोग काम कर रहे हैं। वहीं गंभीर मामले को लेकर ग्वालियर CMHO मनीष शर्मा से बात की गई तो वो खाली आश्वासन देते नजर आए। ग्वालियर निजी पैथोलॉजी के संचालक के निर्देश पर ग्वालियर शहर में धड़ल्ले से बीच चौराहे पर सैंपल की जांच होती है, जबकि बीच चौराहों पर सैंपल की जांच करना नियम के विरुद्ध है। सैंपल की जांच करते वक्त डॉक्टर का होना अति आवश्यक है, लेकिन निजी पैथोलॉजी के संचालक अवैध रूप से अपना प्रचार प्रसार चौराहों पर कर रहे हैं। ऐसे में यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका जवाबदार कौन होगा? जब हमारी टीम ने फर्जी रूप से संचालित निजी पैथोलॉजी का निरीक्षण किया और वहां पर मौजूद टेक्नीशियन ये कहते नजर आए कि इसमें CMHO की परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ग्वालियर से योगेश विसारिया की रिपोर्ट। बिल्कुल, आपने एक अच्छा चीज संज्ञान में देखे आए हैं, इसको हम लोग जांच कराएंगे। और कोई भी मतलब जब तक पंजीयन ना हो, हमारे यहाँ शहर में कहीं भी ब्लड सैंपलिंग या ब्लड कलेक्शन सेंटर खुल ही नहीं सकता है। और आपने ये संज्ञान में लेके आया है कि हम जांच करा के इस पर बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, आपके द्वारा क्या कैंप लगाने की परमिशन? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। वो तो कैंप की तरह हम लोग तो जो कलेक्शन सेंटर होते हैं उसकी देते हैं। और कलेक्शन सेंटर कैसे मतलब कहीं भी जाके कैंप कर सकता है, इसको हम जांच करवा के दिखाते हैं। हम लोग हर हफ्ते मतलब है ना, इतवार की इतवार होता है कैंप अपना, सुबह मॉर्निंग से मतलब होता है 6:30 के आसपास से क्या नाम 12 बजे तक लगाते हैं। इसमें अपने जितने भी खून के टेस्ट होते सारे करते हैं, हम ऑल टेस्ट करते हैं वो। लेकिन हम जो आज के दिन अपने बाजार से काफ़ी कम दामों में करते हैं, ये सारे हमारी कंपनी की ओर से होते हैं।